नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए कृष्ण जी और राधा माँ की तरफ से दिव्य संदेश। तो आपको मिलने वाला है राधा जी और कृष्ण जी की तरफ से दिव्य संदेश। और आपको दिव्य संदेश जानने हेतु आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और जय श्री कृष्ण राधे माँ लिख कर यहाँ पर अपनी यहाँ पर प्रेजेंट लगानी होगी। और यहाँ पर आप उपस्थित हैं इस वीडियो पर और राधे माँ कृष्ण जी का नाम लेना आप लोगों के लिए अनिवार्य है। और यहाँ पर जानेंगे आप लोगों के लिए कृष्ण जी और राधा माँ की तरफ से दिव्य संदेश। मैंने यहाँ पर रखा है ऑप्शन वन में बाल रूप कृष्ण जी का। बहुत ही बेहद बहुत लोग दीवाने हैं इस रूप के। और ऑप्शन टू में मैंने रखा है कृष्ण जी और राधा माँ का मोहक दृश्य। ये जो दृश्य है वो देखते ही एक अच्छी फीलिंग आ जाती है मन में, एक अच्छी भावना। ये मनमोहक चित्र देखते ही हम आनंद से भर जाते हैं। तो जिन लोगों को ऑप्शन टू अच्छा लग रहा हो वो ऑप्शन टू का टू को चुने। और यहाँ पर जिन लोगों को ऑप्शन वन अच्छा लग रहा हो वो ऑप्शन वन को चुने। और यहाँ पर साथ ही साथ आप लोगों के लिए यहाँ पर रखा हुआ एक दिव्य संदेश, वो मैं आपको लास्ट में रीडिंग के लास्ट में बताऊँगी। और यहाँ पर आपको ऑप्शन वन के साथ रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर कृष्ण जी और राधा माँ की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है ऑप्शन वन के लिए। ऑप्शन वन, जय श्री कृष्ण राधे लिखें कमेंट में। और मन ही मन कृष्ण जी और राधा माँ से अपने लिए दिव्य संदेश पाने के लिए कामना करें। प्लीज डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन वन। आपके जीवन में कुछ आप परेशान थे लेकिन कुछ दिक्कत आई हुई थी, कोई स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या थी, वो यहाँ पर आने वाले समय में कृष्ण जी और राधा माँ की आशीर्वाद से आपके जीवन में जो स्वास्थ्य में जो कमी आ रही थी वो अच्छी होती नज़र आ रही है। आप स्वस्थ होते नज़र आ रहे हैं। और अब आप अपने कार्य के लिए लौट रहे हैं, यानी कि अब आप अच्छा बेहतर महसूस कर रहे हैं अपने स्वास्थ्य में। और आप यहाँ पर एक अच्छी एनर्जी में हैं, एक अच्छी ऊर्जा में हैं। और साथ ही साथ आप ऐसा सोच रहे हो अपने मन में कि आपको आप बहुत बेहतर हो, क्योंकि आप जब यहाँ पर परेशान थे, स्वास्थ्य में आपकी गिरावट थी, तो आपने बहुत कुछ चीज़ों को सीखा, आपने जीवन की अहमियत सीख ली, आपने जान लिया कि जब आप स्वस्थ थे तब आपके पास क्या था। और आप यहाँ मन में ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए और फिर मैं यहाँ पर एक अच्छी एनर्जी के साथ अपना काम करूं। तो यहाँ पर अब आप एक अच्छी ऊर्जा से अपने काम को शुरू करते नज़र आ रहे हैं। और साथ साथ आपको एक भयानक स्थिति, एक बुरे अनुभव से आप निकलता हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा डर था कि आपको कुछ समस्या ना हो जाए, कोई मानसिक कष्ट था, उससे आप यहाँ पर निकलते नज़र आ रहे हैं मुझे। आप अपने जीवन में अपनी जो पहले वाली स्थिति थी उससे बहुत कुछ सीखते नज़र आ रहे हैं आप। आपको इस चीज़ का ज्ञान हो गया है कि जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, जब हमारा स्वास्थ्य में कोई गिरावट नहीं होती है, तो हम कितना अच्छा महसूस करते हैं। जब आप अस्वस्थ थे तो आप एक बार उसी एनर्जी में आना चाहते थे, आप चाहते थे कि कैसे भी मैं ठीक हो जाऊं। उसके बाद एक पॉजिटिव एनर्जी में आप आना चाह रहे थे और उस एनर्जी में आप आ गए हो और अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी महसूस कर रहे हो कि आपको कुछ नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग बहुत ज़्यादा बीमार थे, हर हर महादेव, और द डेविल की एनर्जी आ गई यहाँ पे। फोकस करना है अब आपको अपने आने वाले समय पर। आप अपनी क्षमता को समझ चुके हो, आप अपने व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया। देखो, जब तक बुरा समय नहीं आता ना, तब तक व्यक्ति को अपने अंदर खूबियों का एहसास नहीं होता। जब तक आदमी परेशान नहीं होता तब तक उसको अपनी खूबियाँ नहीं नज़र आती, वो अपने में खामियाँ ही निकालता रहता। तो कुछ ऐसा ही आपके साथ था कि आप भी अपने में
खामियां निकालते रहते थे। आप अपने में जो भी आपने आपने ईश्वर के द्वारा पाया उससे आप कहीं ना कहीं ऐसा सोचते थे कि ईश्वर ने आपको कुछ नहीं दिया, लेकिन अब आप समझ चुके हो कि आप पर जो था वो बहुत बेहतर था, आप बहुत कुशल हो, योग्य हो, अपने अंदर की क्षमता को आगे देख पा रहे हैं, नज़र आ रही है आपको। यहाँ से देख लेते हैं, आपके लिए कृष्ण जी और राधा माँ का जो संदेश है वो आप जो अपनी क्षमता को पहचान गए हो ना, यही बहुत बड़ी बात है। बी थैंकफुल, वाओ, यहाँ पर बी थैंकफुल का कार्ड आ गया है आपके लिए। आपको धन्यवाद करना है ईश्वर का कि आपको नई ज़िंदगी मिली है, आपको इस चीज़ का एहसास हो गया है, आपको एहसास है इस चीज़ का कि ईश्वर ने जो आपको दिया है, मैं कह ही रही थी और कार्ड भी आ गया, ईश्वर ने जो आपको दिया है वो अभी तक जो भी दिया वो बेहतर है और आगे भी जो देंगे ईश्वर आपको वो बेहतर ही होगा। बहुत सारी आपके मन में भावनाएं हैं ईश्वर के प्रति, आप बहुत ज़्यादा धन्यवाद की विचार में हो कि ईश्वर ने आपको बहुत बहुत कुछ दिया और आप सेटिस्फाइड होते नज़र आ रहे हो। यू आर ऑलवेज इनफ, ओके। आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पर कार्ड आ रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं आपके लिए। आपको जो भी मिला है ईश्वर के द्वारा आप उसमें खुश हो और आप ऐसा सोच रहे हो कि आप अब तक नहीं समझ पाए, अब आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो। साथ ही साथ देख लेते हैं यहाँ से, ऑलवेज बी काइंड, आपको अपने जीवन में एक, यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ यहाँ पर एक से ही कलर आए हैं आपके लिए, ग्रे, यहाँ ग्रे ग्रे कुछ यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप एक ही विचारधारा में हो और आपने अपने मन में जो उद्देश्य बनाया है उसकी आप पूर्ति के लिए एक मार्ग चुनते नज़र आ रहे हो अपने जीवन में। अब आप समझ चुके हो कि आप कितने शक्तिवान हो, कितने धैर्यशाली हो और धैर्य बनाकर आप अपने जो उद्देश्य की प्राप्ति करते जा रहे हो उस मार्ग पर, जो आपने एक मार्ग जो है निर्धारित किया है। आप जो कुछ सीखना था वो आप सीख चुके हो, जो कुछ भी आपके जीवन में बुरे अनुभव थे उनसे आपने भली भांति शिक्षा ली है। आप जो आपके जीवन में कठिनाइयां आई उनसे आपने बहुत सीख ली है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कहता है कि अब आप जब अपने आप को पहचान चुके हो, क्योंकि जो खूबियां हैं वो आपको नज़र आ गई हैं, जब आप अपने आप को पहचान चुके हो ऑप्शन वन, तो आपको अब आगे बढ़ना चाहिए और अपने अंदर जो आप चाह रहे थे, एक बार ईश्वर से दया मांग रहे थे और आपको जब आपको दया मिली है ईश्वर की तरफ से, तो आपको भी लोगों पर दया ही करनी चाहिए। हर हर महादेव। तो ये थी ऑप्शन वन के लिए, और यहाँ पर ऑप्शन टू बहुत सुंदर लग रहा था तो मैंने यहाँ से नहीं हटाया। और फ्रंट पे मैंने यहाँ पर कृष्ण जी और राधा माँ की बहुत ही सुंदर मूर्ति को रखा और यहाँ पर मैं बाल रूप को भी यहाँ पर सजा के रखूँगी, क्योंकि मुझे मन नहीं हुआ बिल्कुल भी इनको यहाँ से यहाँ सामने से हटाने का। तो यहाँ पर जिन लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, नए लोग सब्सक्राइब करें, हर हर महादेव अवश्य लिखिए। आप देखेंगे ऑप्शन टू के लिए कृष्ण जी और राधा माँ का दिव्य संदेश। जय श्री कृष्ण राधे माँ, प्लीज़ मुझे गाइड करें ऑप्शन टू के लिए। ऑप्शन टू रीडिंग को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण राधे कमेंट में लिखना ना भूलें। और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी कि आप लोग मेरी रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि ये चैनल जो है अब कुछ ही दूर है मोनेटाइजेशन के लिए। तो कृपया मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है कि आप लोग रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा देख कर, लाइक करके, कमेंट करके प्रोत्साहन बढ़ाएं मेरा, और जो मैंने उद्देश्य बनाया था उसकी प्राप्ति में मेरी सहायता करें, मदद करें। हर हर महादेव, प्लीज़ ऑप्शन टू गाइड करें, ऑप्शन टू के लिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें ऑप्शन टू के लिए। जय श्री कृष्ण राधे माँ।
कुछ लोग बहुत कष्ट में हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है अपने जीवन में, अंधेरा है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। और वो लोग इस रीडिंग या ईश्वर से कह ही रहे थे कि ईश्वर रास्ता दिखाओ, और ये रीडिंग पर वो लोग आ गए हैं। आपको ईश्वर कह रहे हैं कि जो भी आपने उद्देश्य चुना था और आपको लग रहा है कि वो उद्देश्य आपको बहुत समय है उसको प्राप्ति में, तो ईश्वर कह रहे हैं समय भले ही लगे लेकिन आपको उद्देश्य की प्राप्ति जो है वो अवश्य होगी, और बहुत जल्द जो आपके रास्ते में रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, वो कम होती नज़र आ रही हैं मुझे। राइट, आपको बढ़ना है आगे, पथ का यहाँ पर बदलाव नहीं करना है, उद्देश्य को भूलना नहीं है, उद्देश्य को निरंतर प्रयास करते रहना है, क्योंकि बहुत जल्द आपको सफलता मिलने वाली है। अभी जो समय है, माना कि मुश्किल है डगर पर सुन ओ मुसाफिर, तू जो अगर रुक जाएगा तो फिर मंजिल आएगी ना फिर। तो आपके लिए ये कृष्ण जी और राधा माँ का संदेश है कि आपका एक और कदम आपको आपके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है, एक कदम और उद्देश्य की तरफ। प्लीज डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन टू, व्हील ऑफ फॉर्चून, दोनों ही ऑप्शन में व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है। एंड मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए कि आप इस मार्ग पर चलकर अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर रहे हो। द मैजिशियन भी आ गया है। आप लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप लोग दोनों ऑप्शन को देख लीजिए, हो सकता है आपके लिए उसमें भी कोई संदेश हो, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून ऑप्शन वन में भी आया था एंड ऑप्शन टू में भी ये वाला कार्ड भी आया था, तो मैं आप लोगों से चाहूँगी कि आप ऑप्शन टू भी देखें, ऑप्शन वन भी देखें, दोनों ही ऑप्शंस को देखें। और यहाँ पर मुझे बहुत खुशी है कि आप आगे बढ़ रहे हो, हिम्मत से काम ले रहे हो। कठिनाइयाँ होती हैं तो व्यक्ति जो है, एक कार्ड और लेना चाहूँगी मैं आप लोगों के लिए, जब कठिनाइयाँ आती हैं टेम्परेंस, थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इस समय आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो और बहुत ज़्यादा सोच विचारधारा है, किसी की तबीयत को लेकर भी समस्या है, घर में कोई परिवार में आपका बच्चा, कोई भी भाई बंधु ऐसा है जिसके लिए कुछ यहाँ पर संदेश आ रहे हैं, वो आप भी हो सकते हो। ऐसे कुछ संदेश आ रहे हैं कि हमको आपको अपने आसपास जो भी आपके परिवार में लोग हैं उनका ध्यान रखना है और उनको कहना है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। प्लीज डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन टू, चूज टू बी काइंड। ओके, मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए, बहुत अच्छे यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ओके, बताती हूँ मैं आपको भी, देखो ये बहुत ही ज़्यादा डीप आप लोगों के लिए मैसेज आ रहे हैं यहाँ पर। हर हर महादेव मेरे नाथ, और यहाँ पर कुछ लाइट 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 कुछ ऐसे ही कलर आए हैं आपके लिए। आप भी यहाँ पर आपसे ईश्वर कह रहे हैं कि आप एक ही विचारधारा में हो और आपको एक ही मार्ग चुनना है, पथ को नहीं बदलना है आपके लिए। यहाँ पर आ रहा है ये यू कैन मेक मिस्टेक, देखो असफल व्यक्ति को ही सफलता का यहाँ पर मज़ा आता है। जब किसी का पेट भरा होता है तो वो व्यक्ति खाने की परवाह नहीं करता, जब भूखा होता है तो उसे परवाह होती, यानी कि जब तक हमें सफलता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, यानी कि तब तक हम सफलता की ओर अपना 100% नहीं लगाते, यानी कि जब ट्रेन लास्ट होना, जब ट्रेन लास्ट हो तभी हमें ये इस चीज़ को दौड़ने में मज़ा आता है कि बस ट्रेन लेनी है, तब हमको पूरा हम माइंड बना लेते हैं यहाँ पे कि अब हमें
ट्रेन पकड़नी ही पकड़नी है क्योंकि ये लास्ट ट्रेन है। यदि ये छूट गई तो फिर मुझे यहाँ पर अपने घर का रास्ता नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप जो सोच रहे हो, आपके विचार में थोड़ी सी जुनून होना चाहिए, आपके विचार में थोड़ी सी आग होनी चाहिए अपने उद्देश्य के प्रति, तभी आप यहाँ पर रास्ता नहीं बदलोगे। अन्यथा आप रास्ता बदल लोगे क्योंकि आपके आसपास के जो लोग हैं बहुत कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो आपको कभी कभी लगता है कि ये कर ले, कभी कभी लगता है कि ये कर ले, उसकी लाइफ बहुत अच्छी है। देखो, हर व्यक्ति को उसके अनुसार मिल जाए वो ज़रूरी नहीं। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ कि अपने जीवन में कुशल और योग्य व्यक्ति सफल हो जाए ये भी ज़रूरी नहीं, क्योंकि किस्मत आपको क्या देना चाहती है वो महत्व रखता है। हर सफल व्यक्ति योग्य हो वो आवश्यक नहीं, और हर कुशल व्यक्ति सफल हो जाए, हर योग्य व्यक्ति सफल हो जाए ये भी ज़रूरी नहीं, क्योंकि किस्मत का साथ बहुत ज़रूरी होता है। तो किस्मत का साथ आपको मिलेगा कब? जब आप एक जुनून के साथ कार्य करेंगे, अपने कर्म पे ध्यान दें और अपने जीवन में अच्छे कामों को करें। जैसा आप दूसरे के लिए चाहते हैं कि दूसरा आपके साथ व्यवहार करे, वैसे ही आपको व्यवहार करना है। और आप यदि गलतियों से सीखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपके जीवन में गलतियां नहीं होंगी तो फिर आप सीख नहीं पाओगे। गलती करते करते ही व्यक्ति बचपन से ही सीखता आता है, और गलती करते करते ही आप अपने पद को प्राप्त करते हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में असफलता ना आई हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में कष्ट ना हो। हर एक व्यक्ति किसी न किसी कष्ट से परेशान है, और किसी के भी जीवन में हर चीज़, यानी कि 100% सब कुछ ठीक नहीं है। वो यदि अपने मन में सोच लेगा कि हाँ, सेटिस्फेक्शन यदि उसको है तो हाँ, उसको अपने जीवन में जीने में मज़ा आएगा। लेकिन सेटिस्फाइड नहीं है, बहुत कुछ दिया ईश्वर ने, फिर भी जो भी दिया है ईश्वर ने वो भी वो उसको भी नकार देगा। तो आपके लिए जो आ रहा है मैसेज कि आपको जुनून अपने अंदर पैदा करना है, अपने अंदर जुनून पैदा करना है, अपने मार्ग के प्रति पथ को नहीं बदलना है। हर एक व्यक्ति के जीवन में संघर्ष है, हर एक व्यक्ति के जीवन में दिक्कतें हैं, ऐसा कोई नहीं है जो बिना दिक्कत के बन गया हो। देखो, आपने लोगों की जर्नी देखी होगी, लोगों की जब वो सफल हो जाते हैं तो आप उनकी स्टोरी पढ़ें तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो भी एक ना एक दिन असफल हुए हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो एक बार में सफल हो गया हो। असफलता कम हो तो उनको देखना ही पड़ता है, उसके बाद ही सफलता मिलती है। तो जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, राइट? तो असफलता तो आएंगी, वो तो आएंगी ही, गलतियों से ही व्यक्ति सीखता है। तो ये थी ऑप्शन 2 के लिए रीडिंग, और यहाँ पर लास्ट में देखेंगे यू कैन डू एनीथिंग। हाँ, अगर अपने पर विश्वास है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन बात ये है कि आप सोचते क्या हो। आप पॉजिटिव सोचते हो, नेगेटिव सोचते हो, क्या सोचते हो? आपकी बातों में जुनून है, या फिर आप अपने आप को हारा महसूस करते हैं, या फिर आप अपने आप को एकदम से ऊर्जावान महसूस करते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की भावना लेकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। दिन की शुरुआत आपको ऊर्जावान तरीके से करनी है। हर हर महादेव। तो ये थी ऑप्शन 2 की रीडिंग। यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हर हर महादेव, और जय श्री कृष्ण राधे माँ अवश्य लिखें। कल मिलेंगे ऐसी ऊर्जावान रीडिंग के साथ। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण राधे। धन्यवाद।